कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया दोस्तों जूझ रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। अब वैज्ञानिक जानवरों के जरिए इसकी वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बेल्जियम के साइंटिस्ट्स एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें ऊंट की एक प्रजाति से कोरोना की वैक्सीन खोजी जा सकती है या दोस्तों बनाई जा सकती है। अमेरिका में ऊंटों की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है लामा। तो बेल्जियम के वैज्ञानिक अमेरिका में पाई जाने वाली ऊंटों की इस प्रजाति लामा के खून से COVID-19 या कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने की तैयारी कर रहे हैं। विलाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि लामा के खून से कोरोना वायरस के कहर को बेअसर किया जा सकता है। COVID-19 के फैमिली वायरस मर्स और सार्स के मामले में भी लामा के खून में मौजूद एंटीबॉडीज काफी प्रभावी साबित हुए थे। हालांकि दोस्तों वो जो रिसर्च था वो HIV से रिलेटेड था। रिसर्चर्स का ये कहना है कि लामा के एंटीबॉडीज इंसानों में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज से काफी छोटे होते हैं। छोटे एंटीबॉडीज होने की वजह से वायरोलॉजिस्ट खून में मौजूद छोटे अणुओं की मदद को लेकर COVID-19 के खिलाफ वैक्सीन या ड्रग्स बना सकते हैं। विज्ञान की भाषा में हम इसे नैनो बॉडी टेक्नोलॉजी कहते हैं। अमेरिका में ऊंट के खून से COVID-19 या कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारियां दोस्तों हो रही हैं। तो दक्षिण कोरिया भी अपने रिसर्च में जानवरों का इस्तेमाल कर रहा है। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि नेवले की मदद से हम COVID-19 की वैक्सीन तैयार